बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे बच्चों और नौजवान नस्ल में बेनमाजी होने की वजह क्या है? हमने कभी इस बात को सोचा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बेनमाजी क्यों हैं? और हम इस बात का गिला भी करते हैं, हम इस बात का ये शिकवा करते हैं कि जी शायद हमारे जो बच्चे हैं वो मीडिया की वजह से ख़राब हो चुके हैं, वो मोबाइल्स की वजह से ख़राब है। मैं ये पूछना चाहूँगा पेरेंट्स से भी और खुद से भी कि हमने उनके सामने क्या रोल मॉडल रखा है। आज एक वालिद अपने बच्चे को कहता है कि बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन अफसोस कि वो खुद वालिद नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर जो बड़े हैं, जो वालदैन हैं, वही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर औलाद कैसे पढ़ेगी? कैसे मुमकिन है कि औलाद जो है वो नमाज की तरफ आ जाए या वो नेकी के कामों की तरफ आ जाए? बाप खुद जो है वो बच्चे को कहकर मोबाइल में लग जाता है या खुद जो है वो सो जाता है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो बच्चा उठकर सुबह फजर की नमाज पढ़े और बाकी नमाजों को भी अदा करे? तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों के ख़राब होने में, बच्चों की बेनमाजी होने में किरदार हमारा है, हमारे वालदैन का, बच्चों का नहीं है। क्योंकि बच्चा सीखता है तो हमसे सीखता है, किसी और से नहीं। वो सीखता है किताबों से नहीं सीखता, वो हमारी आदत से, हमारे चाल चलन से सीखता है। जैसा हम उनके सामने रवैया रखेंगे, कल को वो बच्चा वैसे ही सीखेगा और वो वैसे ही करेगा। तो फिर देख लीजिए कि कहाँ पर हम कसूरवार हैं और कहाँ पर नहीं हैं। हम अपनी मिसाल देख लें कि हमारे मस्जिद में हमारे बुजुर्ग कितने हैं और हम कितना जाते हैं, तो फिर बच्चे हमारे कैसे जाएंगे? कैसे पॉसिबल हो? अल्लाह के नबी ने अगर किसी काम का हुक्म दिया है तो पहले उसको खुद करके दिखाया है, उसको रोल मॉडल खुद पेश किया है, खुद उसका करके दिया और खुद उसको परफॉर्म किया है, सिर्फ ऑर्डर नहीं कर दिया। हम ऑर्डर करते हैं, हमारा क्या, हम ऑर्डर करते हैं, हम खुद नहीं करते। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे जो है ना वो कोई दूसरा करे हमारे कहने पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता रहूँ कि बेटा नमाज पढ़ो, और जब तक वो मुझे पढ़ता नहीं देखेंगे, जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, कैसे पॉसिबल है कि वो नमाज पढ़ लेंगे? मुमकिन ही नहीं है। जो हम काम खुद करें वही किसी को करने का कहेंगे तो फिर हमारी बात में असर होगा, हमारी बात में दम होगा। आज हम क्या है कि हम तकरीर बड़ी बड़ी बहुत कर लेते हैं, लेक्चर्स जो है वो घंटे घंटे पर दे लेते हैं और बड़ी मोटिवेशन स्पीचेस भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा अपना किरदार, हमारा अपना करेक्टर ज़ीरो है। हम खुद कुछ भी नहीं है, हमारा जो प्रैक्टिस हैं वो खुद की ज़ीरो हैं। तो पहले हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से हमारे नौजवान नस्ल हो, फिर हमारी नस्लें भी, हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दिन को समझने की तौफीक अता करे।